यो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग रात को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे हाथ देखियो, सारे ग्रीस के हो रखे हैं, दोनों हाथ ग्रीस के हो रखे। बड़ी मुश्किल से कैमरा खोला है, बिकॉज मैं ना अभी रात को अंधेरे में सब अपना खाना खाने में लगे हुए हैं। एंड मैं अपनी साइकिल रिपेयर कर रहा हूँ। देखियो, मेरी साइकिल में प्रॉब्लम थी ना, मैंने मोदी कर ली। मैं कि चलो आज इसको ना ठीक करके छोड़ूंगा, बिकॉज यार मेरे को जाना पड़ता है, इसकी टेक केयर करनी पड़ती है यार। आज तो मैं रात को जाऊँगा नहीं, बिकॉज ड्यू टू कुछ, बस यार कुछ सेटिंग नहीं बैठी रात को जाने वाली। सो मैं कल सुबह स्कूल जाने से पहले ही अपना व्लॉग वगैरह का काम करके आऊँगा, तो इसलिए मैं क्या है ना इस साइकिल को ठीक कर लेता हूँ। रास्ते में मेरे को बेफालतू की भसड़ नहीं चाहिए कि चैन उतर गई, अभी ये हो गया वो हो गया। सो बस अभी लगा हुआ था, इसको ठीक कर लेते हैं। एंड ये पता है क्या कर दिया मैंने, ये ऊपर निकलाया था पूरा, और मैं खींचने के चक्कर में वापस से निकल गया। देखियो ये टायर निकल गया, बड़ी मुश्किल से अंदर फंसाया था और फिर से निकल गया। भाई साहब कोई बात नहीं, चलो इस बहाने साइकिल का काम भी सीख जाएंगे। वी आर परफेक्ट इंजीनियर, मिस्त्री, हाँ सिविल इंजीनियर, मिस्त्री वो है। वो वाली रील याद आ गई मेरे को, छोड़ यार बकवास नहीं करता, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, जब जल्दी से ठीक करता हूँ। एंड मेरी साइकिल को बिल्कुल रेडी टू मूव करने के लिए, अपनी मक्खन जैसे चलने के लिए रेडी कर लेता हूँ। देन आपको दिखाता हूँ मैं अपना कैसा कर पाता हूँ कैसा नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी साइकिल खुद खोली, वरना मैं डैडी को पकड़ा देता था, मैं डैडी इसको ठीक करो। आज पहली बार खुद पंगे में पैर दे लिया, कोई बात नहीं, चलो नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यार मेरी साइकिल का तो आगे वाला होल भी ख़राब हो रखा है, इस टायर में हवा तो नहीं भरी जाती, क्या करूँ। पीछे वाले में हवा है, इसमें है नहीं, क्या कर सकते हैं। इसकी साइकिल इसका निकाल लेता हूँ, इसको पता नहीं चलेगा, यहाँ से निकाल लेता हूँ फटाफट, और इसमें ना टूटा हुआ डाल देता हूँ, मेरे वाला लड़के का मामा बनाया जाएगा। मेरा ये टूट चुका है, इसका खल्लास काम, ओह हवा खाली बिल्कुल, कोई नहीं अपना काम बन जाएगा। इस वाले में मैं टूटा हुआ डाल देता हूँ, इसको थोड़ी पता लगेगा। ऑल गुड, सब कुछ सेट हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा ही धो दियो। फाइनली केम बैक गाइस, एंड आज व्लॉग तो टाइम पे अपलोड हो गया होगा ना। हाँ हो ही गया, मतलब 7 बजे अपलोड कर दिया था आज मैंने, कोई नहीं सुबह जाके अपलोड करके आ गया। आज तो अपलोड कर दिया मैंने, कल के लिए फिर वही पंगे यार, क्या करें, कोई नहीं। दिस पंगा शुड बी इन द लाइफ सो दैट दे विल टीच यू समथिंग एंड ऑल, तो यार थोड़ा ज्ञान ही बन गया आजकल में, कोई नहीं छोड़ो, आज अपलोड कर दिया ना, कल का कल जुगाड़ करेंगे, कोई नहीं। बट व्लॉग 7 बजे जरूर आएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड ही इज जस्ट ट्राइंग लाइक दिस, यहाँ पे घुसा हुआ है। एंड ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, कंप्लीट तो नहीं हुआ, ओ कैसा हो गया। एंड ये हमारी धनो डेडी आ गए थे कल, तो कल तो शूट किया नहीं कुछ। कितने बजे जाना कल है ये तो बताओ, चप्पल मारो अभी, तो क्यों गया सारी बारे, सारी बारे कर बताओ क्या बात। देखो मम्मी जी, क्या तो मेरी मम्मी ना बनो ना, वो लोग मजा करो, हाँ बस तो हो जाओ, अलग मारता अलग हो जाओ, मैं मेरे बनाई बैठी हूं बार बार। आप जाओ, हम क्यों जाओ, हां तेरे दादा ने बनाई तो दी, मेरे दम पर बैठी तू बनाई रे, हां तो बस बता तो दी ना, अब लोग मान तो मम्मी हट जाओ ना, आप ने बनाई बैठी वाड़ तो टूटोनी मैं जीऊं नहीं इतना, हम किसी और ने पकड़ा फिर, हां पर लोग लाट पड़ो आप जला पड़ो बना ले तू जी बैठ से, और के दादी आ हमारे व्लॉग में, दादी ने कौन बदला, हां मैं घर से वो दादी, हां चलो वहां पर चलांगा दादी, सारा चलांगा अलग हुआ मम्मी तुम, बस ओली आज तले गोली हम मारते ना, बोलियो कोई बात होती है भाई साहब, पास में जाती चप्पल उठ जाती, इनको साइड वाले इस कूचड़े को नीचे रख ले, सही बात है ना। देखो लोग मैं नहीं आना ना, हमारी मम्मी हट जाओ, हम किसी और को पकड़ेंगे, भाई साहब कोई बात होती है, चप्पल उठा लेती हैं तभी। कोई नहीं, थोड़ी बहुत अभी मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। 8 प्रैक्टिकल्स बना लिए, टोटल 13 है, बना लेंगे स्कूल से आने के बाद, 2 कर दी, टोटल 13 प्रैक्टिकल्स है हमारी। बायो की मैंने सारे प्रैक्टिकल्स बना लिए, केवल बायो की मेरी पेंडिंग थी, वो भी थोड़ा बना रहा था मैं अभी। एंड 8 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 13 है, एंड वो अपना कर लेंगे, अभी थोड़ा चलते हैं। एंड वन थिंग गाइस, कल है ना हम स्कूल में नहीं जा रहे, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, प्रतीक भी स्कूल नहीं जा रहा, हम हाँ दोनों ही हो गए। पता है कहाँ पर जा रहे हैं, पापा जी की कंपनी में ना फंक्शन है, वहाँ पे चलेंगे। कौन सी जगह थी, हाँ मानेसर, गुड़गांव के पास है मानेसर, वहाँ पे कंपनी, तो उसमें फंक्शन है। एंड मैं 3rd क्लास में गया था लास्ट बार पापा जी की कंपनी में, वहाँ पे फंक्शन पे ही, देन एक रेस भी हुई थी वहाँ पे, टूर्नामेंट वगैरह भी थे, मैं ना 3rd पोजीशन लेके आया था रेस में, और पता है कैसे आ रहा था, मतलब मैं सबसे आगे भाग रहा था, यहाँ पे लाइन है ना, मैं पीछे ही खड़ा होकर मैं थोड़ा नज़ारा लेने लगा, मैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं, इतनी देर में 2 बच्चे आगे निकल गए, वो 3rd पोजीशन आ गई मेरी, और बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे थे, अगर वो होते तो मैं हार जाते आ रहे। सो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, मैं पीछे मुड़ के देख रहा क्या क्या नहीं। कोई बात नहीं, कल चलेंगे, एंड डैडी भी आ रखे हैं तो गाड़ी में चलेंगे, डैडी पापा प्रतीक मैं एंड मम्मी जी, हम सारे चलेंगे, ठीक है ना। अभी बाहर चलते हैं, लाइट्स करते हैं ऑफ, कहाँ बजाओ हो,
जाओ भाई साहब, मम्मी जी और प्रतीक चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। इनसे बच के रहना चाहिए, इस फालतू नहीं बोलना चाहिए। नमस्ते बाबा जी। अरे वो देखा था, एक न्यूज़ आ रही है, वो एक अभिषेक सस्पेंड हो गया। अरे वो उसने पोस्ट डाल दिया आपकी गवर्नमेंट व्हीकल के साथ, आईएएस ऑफिसर थो, उसने ड्यूटी तो हटा दियो, इलेक्शन में ड्यूटी थी हटाई दियो, क्योंकि चाहिए को नहीं। वो तो देखो तो हटा दियो, उसने फोटो डाल देना है इसलिए मेरे को नहीं। क्यों तो एक फोटो तय गाड़ी के साथ सब डाली ही सात बजे चलो सात बजे उठ लिए। कब है स्टार्ट फंक्शन है? स्टार्ट तो 8 बजे तक, वो विजिट करोगा तो प्लांट भी शुरू हो जाएगी। घुमाऊं भी का प्लांट वगैरह भी दिखाऊंगा के पूरा। वो फिर तो सही है। और कब तक है? दोनों प्लांट है, आड़े पूछ जाओ काम घूम लियो बात तो है ये भी। और फिर आगलम ना आगलम जाओ तो पहले उठ चलन पड़ो आपन। चाल पड़े दोनों, हम चाल पड़ेगा मतलब भीतर तो एक में जान दे, आम तो प्रोग्राम है जो चला दो तो इसे हम चाल पड़ेंगे। सेम में होगा प्लांट तो? हां सेम में, वो उड़े थोड़ी जो पुराना प्लांट है तो काहे उसमें जाए दो। मैं भी तो गए थे थर्ड क्लास में। हां आप भी तो गया था? अरे मम्मी के साथ भी तो गए थे एक बार। मैं एक बार आपके साथ गए थे, एक बार मम्मी के साथ गए थे। एक बार दीपक सर थे, मम्मी और राहुल चाचा गए थे। राहुल चाचो और दादो नीमली वाला दीपक भी था उधर। राहुल चाचो तो शायद मेरे साथ कौन गया? दीपक चाचा करते अभी। हां ये प्रतीक तो ये पे जा जे पाछे तो होए ना के करी रे। मैं होयो क्यों कोनी टीम के पाछे है? इसको नेट लूंगा मैं ना, मैं बताऊंगा तो देव को फोन तेरे को मां पे कोस लूंगा। हां जदे रात प्लांट में से बन्यो कोनी होवे के कोनी होवे थर्ड भी अपलोड करे वो तो के करूं मैं छोड़ दू पार्टी में कैंसिल कर फंक्शन में जानू कैंसिल कर तो यूनिक अपलोड करनी जरूरी है तो मैं क्यों फंक्शन में जानू जरूरी है बात खत्म। ओहो खानो 6000 आदमी तो 2000 तो कर्मचारी हो गए मान ले एक के साथ भी तीन आऊंगा तो हो गया 6 मान ले दो भी आऊंगा तो बालक रह गया लगे 6000 बंदे केवल एक्सपेक्टेड है ये तो रियल नंबर और भी ज्यादा मिलेगा वो 2000 एम्प्लॉइज होगी उनके साथ दो दो बंदे भी आएंगे तो 6000 हो गए टोटल और कोई हमारे जैसा तीन तीन भी लेके जाएगा तो ज्यादा बंदे हो जाएंगे गाइस चलेंगे मजा आएगा सच्ची प्लांट के अंदर घूमे वगैरह बढ़िया व्लॉग शूट होगा अपना। बल्लेर में पीछे पड़ जियो चुपचाप है। हाँ कहीं आगे जज के बैठे की मैं बैठूंगा कल सुबह सुबह चलेंगे। अरे वो न्यूज़ पता है क्या है? वो मैंने अभी अभी देखा मेरे होम पेज पे आ रखी थी यूट्यूब की, जब मैंने खोला तो मिस्टर अभिषेक एक आईएएस ऑफिसर है उनकी है ना ड्यूटी थी, मतलब अभी नहीं है, मतलब अभी भी आईएएस ऑफिसर है थी ड्यूटी शायद 7 नवंबर को था ऐसा कुछ पता नहीं डेट मेरे को ध्यान नहीं है। गुजरात में इलेक्शंस थे तो उनकी एज अ ऑब्जर्वर ड्यूटी लगी थी। एंड ऑब्जर्वर क्या होता है गाइस? ऑब्जर्वर है ना लाइक हरियाणा पंजाब मतलब हरियाणा का कोई ऑफिसर है उसकी ड्यूटी कहीं और लगा देंगे ताकि अगर उसके स्टेट में लगाते हैं ना तो उनको ये रहता है कि कहीं पॉलिटिकल पार्टी से मिला ना हो एंड ऑल दोस्त ताकि दूसरे उसमें लगाए ताकि अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट हो सके। तो उनकी गुजरात में लगा दी थी और उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट था जहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट व्हीकल के साथ है ना फोटो खींची और अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी और बोला कि मैं गुजरात में एज अ ऑब्जर्वर अपॉइंट हो चुका हूँ एंड ऑल दोस्त थोड़ी 3-4 बातें और लिखी थी। फिर देन मीडिया ने उसके ऊपर लिखा, पता नहीं किसकी न्यूज़ थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी या फिर हिंदुस्तान की थी पता नहीं क्या थी, उस पर लिख रखा था कि ये है ना एक पब्लिसिटी और पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया। भाई साहब की मतलब उस पोस्ट से इतनी पब्लिसिटी नहीं होगी जितनी पब्लिसिटी मीडिया वालों ने कर दी बोल बोल के। देन उनको एज अ ऑब्जर्वर हटा दिया गया, बोले कि हमें ऐसी की नीड नहीं है। पता नहीं पूरी बात मेरे को लिटरली अभी तक समझ नहीं आई बट जो भी वीडियो वगैरह देखी उससे तो यही लगा था कि मतलब फोटो वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं बट मेरे को समझ नहीं आई, छोड़ो ना यार। बट कुछ काम की बातें सीखी मैंने, मैं आपको भी बता देता हूँ। लाइक इलेक्शंस होते हैं ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट वगैरह के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, लोकसभा राज्यसभा एंड एक और थी यार पता नहीं, मेरे को ये चीज़ें ना ध्यान नहीं रहती, मैं मतलब ये कन्फ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं जितना है उतना बताता हूँ, कंडक्ट करवाती है एंड सबसे ऊपर ऑफिसर होता है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता इलेक्शन में, सेंट्रल इलेक्टोरल ऑफिसर होता है और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कि मतलब एक सेंटर का हो गया, मतलब हरियाणा लेते हैं चलो हरियाणा का एक सबसे बड़ा ऑफिसर। देन उसके बाद 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 22 ऑफिसर्स। देन उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले एंड रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे होता है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। देन उसके नीचे होता है वो क्या होता है उसका, हाँ पुलिंग बूथ वाला, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, पुलिंग बूथ वाले जो ऑफिसर्स होते हैं ना पर पुलिंग बूथ पे होते हैं तो ऐसा कुछ होता है। एंड ऑब्जर्वर की ड्यूटी होती है सब कुछ देखना, अगर ऑब्जर्वर को कुछ गड़बड़ी वगैरह लगती है ना तो वो डायरेक्ट सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकता है कि ये गड़बड़ी मचा रखी है उन्होंने। भाई साहब संभाल लो, देखो भाई साहब संभाल लो, देखो मेरा काम था आपको रिपोर्ट करना, मैंने आपको बता दिया, आगे अपना एक्शन ले लीजिए। देन वो वहाँ से डायरेक्शन देते हैं एंड ही हैज़ टू फॉलो दैट।
बस इतनी बात समझ आई। देखो आजकल बड़ा ज्ञानी हो रखा हूँ ना सच में यार, कुछ काम की बात पता चली। चलो सही बात है, होम पेज पे बढ़िया चीज़ डिस्प्ले हुई थी। है के किस चीज़ की सब्जी? ओहो घिया की सब्जी है आज। माँ थाली को नहीं मम्मा देखियो और बात करे है बंद करी छो लोग ने रुबर रहा है मैं तेरा मार दूंगा बता दिया अब बेफालतू की भड़क ना करे देखियो ये बहुत चिंग रहना है चल जा चुप हो जा फालतू नहीं चुप इसमें कौन लेके चला मम्मा कल हाँ बस तो लेके भी कौन जा कोई बेफालतू ना यार बैंड बज रही है प्रैक्टिकल बनाने में 12 कंप्लीट हुए हैं एक प्रैक्टिकल अभी भी रह चुके हैं एंड वो तो काफ़ी बड़ी है यार 4-5 पेजेस के क्या यार इतना क्यों लिखवाते हैं ये लोग कुछ भी नहीं करते लिटरली कुछ नहीं करते इन प्रैक्टिकल्स का टीचर साइन मारेगी एंड फाड़ देगी इन प्रैक्टिकल्स को भाई साहब सारी रात लग गई इतनी दिन प्रैक्टिकल्स बनाओ दो साइन मारेगी और फाड़ देगी प्रैक्टिकल्स को ताकि कोई और यूज ना कर ले। वाह वाह मान गए उस टाइम तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिकल बनाई आपने साइन मारा और फाड़ दी बीच से क्या कर लो भाई साहब इनका कुछ नहीं कर सकते बस प्रैक्टिकल बना सकते हैं यार मन बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो चुका है अब एक और प्रैक्टिकल नहीं बनेगी बट इसको कंप्लीट करता हूँ इससे पीछा छुड़वाता हूँ इसको बनाते हैं 10-15 मिनट और लगेगी एक प्रैक्टिकल लिख दूंगा मैं 10-15 मिनट में एंड फिर काम अपना खत्म हो जाएगा। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन बाय बाय।